नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 10 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में उद्यान एक्सप्रेस में भयानक आग लग गई। ट्रेन संगोली रायना रेलवे स्टेशन पर घटना के 2 घंटे पहले पहुंची थी। बोगी में आग लगने से पूरा स्टेशन धुआं धुआं हो गया। कोई हताहत या घायल नहीं हुआ है। जमीन घोटाला मामले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने 24 अगस्त को ई पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले ईडी ने 14 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया था। इमरान खान की पत्नी बेगम बुशरा बीवी ने जेल में बंद अपने पति को लेकर चिंता जाहिर की है। बुशरा ने कहा है कि अटैक जेल में उनके पति को जहर दिया जा सकता है। देश भर के विभिन्न राज्यों में इन दिनों बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान का अनुमान है कि 18 और 19 अगस्त को पूर्वी और मध्य भारत के कई इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र के मुंबई यूनिवर्सिटी के सीनेट चुनाव को रोके जाने पर सियासत तेज हो गई है। शिवसेना यूपीटी मनसे और शरद पवार गुट की एनसीपी ने इस फैसले का विरोध किया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता नाना पटोले ने बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकना है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में हैट्रिक लगाने के लिए भारतीय जनता ने बड़ी रणनीति तैयार की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने के लिए दिल्ली बीजेपी ने प्रभारियों के नामों का ऐलान कर दिया है। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने आज ही के दिन 15 साल पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना डेब्यू किया था। भारत और आयरलैंड के बीच खेली जा रही 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला भारत ने डकवर्थ लुईस नियम के तहत 2 रनों से जीत लिया। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी और गार्नी गौतम स्टारर OMG2 लगातार लाइमलाइट का हिस्सा बनी हुई है। फिल्म थिएटर्स में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। TVS की टॉप 10 खबरों का सिलसिला NBC News पर यूं ही लगातार चलता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ NBC News पर। नमस्कार।